नंबर वन, दोस्तों भारत सरकार ने कार में एयरबैग्स को कंपलसरी कर दिया है क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त ये एयरबैग्स जान बचाने में काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंपैक्ट के वक्त ये एयरबैग्स एकदम से इतनी जल्दी कैसे फूल जाते हैं? तो इसे समझने के लिए आपको एयरबैग्स के मैकेनिज्म को समझना होगा। होता यह है कि इन एयरबैग्स में सोडियम एजाइड नाम की एक गैस भरी होती है। इस गैस की खासियत ये है कि ये कार के कई सेंसर से कनेक्ट होती है जो कार की टक्कर होने पर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और ये गैस हीट की वजह से नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है और एयरबैग्स को झट से खोल देती है। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि पलक झपकते ही ये बैग्स पैसेंजर के सामने आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। वैसे आजकल इन एयरबैग्स में और भी अलग अलग गैसेस का इस्तेमाल होने लगा है जो सोडियम एजाइड से भी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन एयरबैग्स के शुरुआती दौर में इसी इकलौती गैस का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर टू, दोस्तों अक्सर हम बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन पर रेड या फिर व्हाइट लाइट्स को लगे हुए देखते हैं, लेकिन जापान में ऐसा क्या हुआ कि जापान की सरकार सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन पर नीले रंग की एलईडी लाइट्स लगा रही है? दरअसल बात यह है कि जापान में लगातार सुसाइड रेट बढ़ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने स्टेशन और सड़कों पर नीले रंग की एलईडी लाइट्स लगाकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद ये सामने आया कि सुसाइड मामलों में 85% तक की कमी आई। अब इसके पीछे की साइंस ये है कि इंसान के बिहेवियर पर रोशनी की मदद से भी असर डाला जाता है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि ब्लू लाइट से डिप्रेशन घटता है, जिसमें इंसान खुद को शांत महसूस करता है और उसके मन से सुसाइड जैसे ख्याल दूर रहते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सड़कों पर नीली लाइट्स लगाकर आत्महत्या रोकने की इस तकनीक को नज टेक्निक कहा जाता है। नंबर थ्री, फांसी से पहले अक्सर हर अपराधी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, जिसमें कई अपराधी तो ये ख्वाहिश तक रख देते हैं कि उनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? और यकीन मानिए आप भी उसकी आखिरी ख्वाहिश सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल जब सद्दाम को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी, तो सद्दाम ने सैनिकों से पहनने के लिए सिर्फ अपना कोट मांगा, जिसके बाद सैनिकों ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी कर दी। लेकिन फिर हैरान होकर एक अमेरिकी जवान ने उनसे पूछ ही लिया कि आपने अपना कोट ही क्यों मांगा, तो इस पर सद्दाम हुसैन ने कहा कि आज बहुत ठंड है, कहीं ये न हो कि मेरा शरीर सर्दी की वजह से कांपे और इराक के मेरे लोग ये समझे कि उनका लीडर मौत के डर की वजह से कांप रहा है। बहरहाल अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि सद्दाम को 1982 में 148 इराकी शियाओं की हत्या के मामले में 30 दिसंबर 2006 को फांसी की सजा दी गई थी। नंबर फोर, अक्सर आपने चिड़िया, कुत्तों और कई जानवरों को पानी में नहाते हुए देखा होगा, लेकिन बिल्लियों को कभी नहीं। तो क्या कभी सोचा है कि बिल्लियां पानी से इतनी दूर क्यों रहती हैं? तो दोस्तों इसके पीछे एक नहीं कई वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बिल्लियों के ऐसा करने की वजह उनकी उत्पत्ति है। उनकी उत्पत्ति ऐसी जगह पर हुई जहां का क्लाइमेट ड्राई था, जहां पानी की सुविधा कम थी, और लंबे समय तक ड्राई क्लाइमेट में रहने और पानी से दूरी बनाए रखने की वजह से ही ये इनके नेचर में आ गया कि पानी से दूर रहना है, और धीरे धीरे ये इनकी जीन्स में डेवलप होकर इनकी अगली जनरेशन तक पहुंचता गया। वही वैज्ञानिकों की दूसरी थ्योरी ये कहती है कि बिल्लियां अपनी हेयरी स्किन की वजह से भी भीगना पसंद नहीं करती, क्योंकि इनके घने बालों को सूखने में वक्त लगता है, जिसकी वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। इसीलिए वो पानी से दूर रहना ही पसंद करती हैं। नंबर फाइव, दोस्तों ओलंपिक्स या फिर विंटर स्पोर्ट्स में आपने भी देखा होगा कि बर्फ पर स्केटिंग करने वाले गॉगल्स और टाइट कपड़े पहनते हैं। तो क्या कभी सोचा है कि ये एथलीट्स ऐसा करते क्यों हैं? तो बता दूं कि जब एथलीट बर्फ पर स्केटिंग करते हुए ठंडी और ड्राई एयर के बीच से तेजी से निकलते हैं तो वहाँ पर तेज हवा का ऐसा माहौल बनता है जिसकी वजह से आंखों से पानी आता है और देखने में दिक्कत होती है। इसीलिए एथलीट्स चश्मा पहनने के बाद ही स्केटिंग करते हैं। स्केटर्स जो चश्मा पहनते हैं उसकी मदद से वो ज्यादा साफ देख पाते हैं। वहीं कुछ एथलीट्स के चश्मे के लेंस कलरफुल होते हैं और इस तरह के चश्मे उनकी आंखों को बर्फ से होने वाले किसी भी रिफ्लेक्शन से बचाते हैं। इतना ही नहीं, स्केटिंग करने वाले ये एथलीट्स टाइट कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हवा का उन पर असर न हो। वहीं अगर वो टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे तो हवा का ड्रैग उन पर और बढ़ेगा और उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज के हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का ये सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।